What's up guys, good morning, welcome back to my channel, my name is Kamaljeet Rana. सुबह के 11 बज चुके हैं, हमारे सारे जो स्टार्टिंग के दिन के काम होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं. अभी नाश्ता बन रहा है, नाश्ते में ज्योति इज बेकिंग सलामी सैंडविच और बनाना शेक, प्रोटीन बनाना शेक. लास्ट नाइट वी वेंट टू सी दिस मूवी कॉल्ड RRR. आई एम श्योर आप सभी लोगों ने उसके बारे में सुना होगा. SS राजामौली ने डायरेक्ट की है, जूनियर NTR और रामचरण जो है लीड रोल में है. भाई क्या कमाल की फिल्म है, क्या कमाल की फिल्म है. एंड इट हैज टू बी वॉच्ड इन थिएटर्स ओनली. हम लोग कल रात को गए थे, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. अच्छा एक्सपीरियंस और भी अच्छा होता अगर हमारी सीट के पीछे दो ऐसे लोग बैठे थे जिन्होंने हमारा मत्था, हमारा क्या मतलब, सबका मत्था खराब करके रखा हुआ था. वो दो लोग सिर्फ बातें किए जा रहे थे, हर डायलॉग पे कमेंट्री, हर डायलॉग पे गाली, हर डायलॉग पे कमेंट्री, हर डायलॉग पे गाली. मतलब आप ये लगा लो कि वो कॉर्नर वाली दो सीट पे बैठे थे, उनके आगे की चार सीट, उनके बगल की चार सीट और उनके पीछे की चार सीट सारी खाली हो गई थी. लोग शिफ्ट करके चले गए दूसरी सीट पे. हम लोग थोड़ा सा दूर बैठे थे लेकिन फिर भी डिस्टर्ब तो हो रही थी. कुछ लोग होते हैं जो थिएटर में आते हैं जो सिर्फ दूसरों को डिस्टर्ब करने आते हैं लेकिन खुद फिल्म एंजॉय नहीं करते. अगर आप फिल्म देखने गए हो थिएटर में तो कम से कम आसपास के लोगों का ख्याल रखो यार, उनको एंजॉय करने दो, तुम्हें एंजॉय नहीं करनी है तो फिल्म. ज्योति हाउ मच टाइम मोर डन? यस रेडी. शेक इज रेडी एंड देन आई एम आल्सो रेडी. यो मिष्टी, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश मिष्टी? मिष्टी हाउ इज द जोश? आज मूड नहीं है इनका, एटम में उधर बैठा चुपचाप चुपचाप. What's up guys? अपन अब निकल चुके हैं बाइक की सर्विसिंग के लिए. यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है सर्विस सेंटर. मेरी अब ये फोर्थ सर्विस ड्यू है. अब ये लंबी ट्रिप जो होगी इसमें काफी डिस्टेंस अपन ट्रैवल करेंगे. जैसे पिछली बार बहुत मजा आया था, आई होप इस बार भी बहुत मजा आए. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस रोड ट्रिप और आई जस्ट होप कि मौसम थोड़ा सा साथ दे दे. ज़्यादा साथ की जरूरत नहीं है. आप जैसे अभी इस टाइम में जैसे निकला हूँ, अभी थोड़ी गर्मी तो फील हो रही है पर बाइक पे चल रहा हूँ तो इतनी गर्मी लग नहीं रही है क्योंकि हवा लग रही है साथ साथ. बट द थिंग इज़ कि जब मैं बाइक हाईवे पे चलाऊंगा तब मुझे तो भाई साहब क्या बोलते हैं, राइडिंग जैकेट, राइडिंग शूज, नी गार्ड, ग्लव्स, ये सब पहन के चलाना होगा. तो उस केस में तो भाई बिल्कुल ही मतलब जो है गर्मी लगने ही वाली है. इस बार देखते हैं कहाँ जाते हैं, कौन सा रूट लेते हैं, किस तरीके से जाते हैं. ठीक है फिर, अभी मैं मिलता हूँ आपको सीधा अब सर्विस सेंटर. गाड़ी हो गई अपनी तैयार, बस चाबी आ जाए अपन निकलते यहाँ से. बहुत जोरों की भूख लगी ली है, बहुत जोरों की धूप लगी ली है. चाबी आ जाए एक बार. हाँ चाबी आ गई. नहीं नहीं दूसरी है, उस पर रॉयल इनफील्ड का छल्ला है. चाबी का थोड़ा सा अपना सीन हो गया है, हटना भी एक सेकंड. हाँ ये गाद कीज. गजब की गर्मी है, गजब. बटन अपने नीचे कर ली है अपने बाजू के टैनिंग से बचाने के लिए. बाबा चलो लेट्स मेक अ मूव. और हमारे कुल्ले बट्स एकदम जल गए हैं, कारण आप समझ ही गए होंगे. धूप में सिर्फ 5 मिनट खड़ी रही बाइक और मेरे कुल्ले बर्न हो गए. बर्न. जय माता दी, लेट्स रॉक. बैठा बैठा फीलिंग अ लिटिल बेटर. रोड देख रहे हो आप कैसी है, ये देखो धड़ 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 धड़. बाप रे बाप, बाप रे. कहीं से भी कभी भी मत मुड़ो, हॉर्न वॉर्न दे दो बाबा. जैसे ये मैंने दिया हॉर्न, अभी मेरी घड़ी पे पानी गिरेला रे बॉस. ये देखो शीशे के अंदर से निकला पानी. बट दिस इज गार्मिन ब्रो, इट्स वाटर रेजिस्टेंस एंड वाटर प्रूफ टू अ सर्टेन डेप्थ. और ये आ गई है मेन रोड दोस्तों. मेरा यार यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ ना, इस एरिया में जब भी आता हूँ ना, ये फैक्ट्री वैक्ट्रीज जहाँ पे हैं, सर्विस सेंटर जहाँ पे, यहाँ पे ना समोसे की सुगंध आती है भाई. मेरा हाथ ना जल रहा है इस वक्त, जल रहा है लिटरली. आई एम टेलिंग यू गाइस, इट्स लाइक अरे दीदी ऑटो. क्या बात है यार, आई हैव सीन यहाँ पे इस एरिया में ना ये ऑरेंज कलर के नए ऑटोज चले हैं जहाँ पे लेडी इज ड्राइविंग दैट ऑटो. ये ऑटो को ड्राइव बोलेंगे राइड बोलेंगे, हैंडल है उसमें लेकिन तीन पहिए हैं. आई थिंक इट शुड बी ड्राइविंग ओनली.
आई थिंक इट्स अ न्यू इनिशिएटिव विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ। प्रॉब्ली अगर आप लोगों में से कोई जानता है इस इनिशिएटिव के बारे में तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो ऑरेंज कलर के ऑटोज़ हैं क्या ये आपके शहर में या आपके स्टेट में भी चल रहे हैं या फिर सिर्फ मैं इसी एरिया में देख रहा हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। भूख लाग ली मजा, गर्म है भाई, गर्म है, लेकिन पता क्या, जितना बोलूँगा ना गर्म है उतनी गर्मी फील होगी भाई। थोड़ा सा उधर चला लो आप गाड़ी वाले हो, आप अगर फर्स्ट लेन में चलाओगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब क्योंकि फिर हम बाइक वालों को भी जगह मिल जाएगी जाने के लिए। यहाँ से मारेंगे हम लेफ्ट, और ये जो मैंने मक्खन की तरह लेफ्ट मारा है, ओहो बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, स्कूल के बच्चों को देख के अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं भाई। भाई कसम, धूप में भी जाते थे ना लेकिन एंजॉय करते थे स्कूल को, स्कूल बस में आते थे, स्कूल बस में एसी तो था नहीं उस टाइम पे, तो भाई उस टाइम पे जो गर्मी पड़ती थी तो ये मार पसीने होते थे, लेकिन फिर भी हमने स्कूल टाइम, स्कूल लाइफ को बहुत एंजॉय किया है। भाई साहब हेलमेट लगा लिया करो, भाई साहब आप भी लगा लिया करो। तम तमाती हुई गर्मी है, मुझे लग रहा है कुछ 35 से लेके 38 के बीच में टेम्परेचर होगा सेल्सियस। गर्म हवा छाती को चीरती हुई, बहुत होगी बातें दोस्तों, ठीक है अब मैं आपको सीधा घर पे मिलता हूँ। इन 1, 2 एंड 3 व्हाट्सअप। देखो ये 8 किलोमीटर की सिटी राइड में मेरा ये हाल है, सो व्हेन आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग राइड गर्मी में बहुत मजा आने वाला है। हाँ जी मिष्टू अभी आ गए जोश हैं कूजी कर अट्रा का है अट्टा बाबा। दोनों ने खाना अभी दिया तो नहीं इनको या दे दिया? खा लिया दोनों ने? मिष्टू ने खाया ना? मिष्टू तो अच्छी बच्ची है, मिष्टू खाना वाना नहीं छोड़ती, मिष्टू तो अच्छी बच्ची है। ओके गाइस टाइम टू हैव लंच, फ्रेशन अप, देन आई विल टेक सम रेस्ट बिकॉज़ आज शाम को योगा क्लास है। बाइक सर्विस करा के जब मैं वापस आया उसके बाद मैंने खाना खाया और मेरी आंख लग गई, मैं सो गया इसके साथ और ढक्कन के साथ, हम तीनों सो गए। मैं हैविंग अ बनाना नाउ एंड देन आई एम गोना गो फॉर योगा। केला खाते हैं और यहाँ से निकलते योगा क्लास के लिए। गाइज आई जस्ट केम बैक फ्रॉम योगा क्लास और आज ही हम जो हमारी योगा टीचर वो बोलती है अब मुझे आगे से आप लोग एक नोटबुक बनाओगे और उसमें ये बताओगे कि आपने क्या क्या खाया है कमिंग उसमें डेज में, सो दैट शी कैन सी दैट व्हाट वी आर पुटिंग इन आवर स्टमक। एंड अपेरेंटली ज्योति वाज नॉट होम, ज्योति वाज इन द ऑफिस एंड शी वेंट टू द मार्केट फॉर सम वर्क एंड लुक व्हाट शी गॉट। हांजी बहन जी कितना फिर जल्दी खाओ ठंडा हो जाएगा। तो ये है ढोकलास, ये रहे गोश्त, ये है बहुत बेकार है ढोकला है ये, और ये है समोसे। तुम बता मैं किसके लिए क्या आया? क्या किसके लिए क्या आया? अपने लिए? नो मेरे लिए? नो प्रखर के लिए। ओ यस गाइस बाय द वे प्रखर इज फाइनली गोइंग टू बी बैक, वो होली के लिए अपने घर चला गया था एंड आई डोंट नो मे बी इज ऑन द वे। उसने मुझे कॉल भी किया था बट मैं योगा क्लास में था तो मैं उठा नहीं पाया था, सो ही इज ऑन द वे। सो गुड न्यूज दैट प्रखर इज कमिंग बैक टुडे। 30 मिनट्स यू स्पोक टू हिम? ओ कूल, सो 30 मिनट्स ही विल बी होम। आई शपथ ये सिर्फ आज का चीट डे। चीट का है भाई, ढोकला इज वेरी हेल्दी, समोसा इज नॉट। तो डोंट ईट समोसा। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ क्यों समोसा हम खा रहे हैं। कल हम जब मूवी देखने गए थे भाई, हमने दुनिया का सबसे स्वादिष्ट समोसा खाया था वहाँ पे, दुनिया का सबसे स्वादिष्ट समोसा वंडर मॉल के अंदर जो सिनेमैक्स है उसमें मिलता है। विवियाना मॉल में जो सिनेपॉलिस है उसमें समोसा अच्छा नहीं था, राइट? आई डोंट रिमेम्बर बट आई ओनली रिमेम्बर द कॉफी, द वर्स्ट कॉफी सिनेपॉलिस सिनेमा, यस या। चाचू आ गई। रोती है प्रखर के आगे। भाई मिष्टी बहुत प्यार करती भाई आइटम। मिकू कौन है ऐसी? मिकू के चाचू ही। हाँ उसको ले। हेलो माय गॉड, हम ना करें प्यार, वो बुला रही है इधर खोपचे में तुमको। प्यार कर दो जाओ, पेट पे मारा
कर दो ना फिर, तुम भी तो नहीं मान रहे बात, पता नहीं तुम्हें इसके आगे। देखो ऐसे करना पड़ता है मिस्टी को, तेरी वो चाहिए। He already knows. मैं फोन करके उसे पूछी थी तभी लेके आई ढोकला। ब्रेकर आ गया है और हम लोगों ने अभी इवनिंग स्नैक्स हमारे खत्म कर लिए। विल हैव डिनर इन सम टाइम। आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट नाउ। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले व्लॉग में। तब तक आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। दिस इज मनोज इंद्रा साइनिंग ऑफ। बाय।